हैवी वेट और लाइट वेट नहीं होता है। टीएमसी सरकार जो है उसका एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी। आज लोग अगर वोट देते हैं तो ममता बनर्जी को देखकर देते हैं, ममता बनर्जी के काम को देखकर देते हैं। अगर किसी को दीदी का कदर नहीं है तो फिर ये उनका लॉस हो है, चाहे वो जहाँ भी जाते हैं आगे चल के जब इलेक्शन के बाद वो उनका फेस लॉस होगा, जब दीदी वापस से पावर में आएगी उनका इज्जत चला जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर कोलकाता के वार्ड नंबर 62 में टीएमसी कोऑर्डिनेटर सना अहमद की मौजूदगी में राहत फाउंडेशन कोलकाता की जानिब से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां कोऑर्डिनेटर सना अहमद ने अपने स्पीच के दौरान नेताजी की कुर्बानियों की दास्तान लोगों को बताई कि किस तरह नेताजी ने देश के लाखों लोगों को इंस्पायर किया और देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में कितना योगदान दिया। इसके अलावा सना अहमद ने बंगाल के मौजूदा सियासत को भी अपने स्पीच में बताते हुए कहा कि लोग दीदी को और उनके काम को देखकर वोट देते हैं और आने वाले चुनाव में दीदी की सरकार फिर से बंगाल में बनेगी, और जो लोग टीएमसी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं वो लोग काफ़ी पछताने वाले हैं। आइए सुनते हैं पूरी खबर। हम लोग 23 जनवरी, ये पहला साल नहीं है, हर साल जब से टीएमसी सरकार आई है पिछले 10 सालों से 23 जनवरी हम लोग बहुत ज़ोरों शोरों से मनाते हैं। वार्ड वाइज हर वार्ड में एक प्रोग्राम होता है, नेशनल एंथम फ्लैग होस्टिंग होता है, उनको हम लोग याद करते हैं, उनकी सैक्रिफाइसेस को याद करते हैं। आज तो फर्क ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मतलब उसी तरह का उत्साह और उसी तरह का जोश आज भी हम सबके अंदर उसी तरह से है। आज हमारी दीदी जो है वो वॉक करने वाली है, आज वो 7.5 किलोमीटर दीदी वॉक करने वाली हैं, उनके याद में और दीदी के साथ जितने दीदी के सिपाही हैं, दीदी के कर्मी, हम सब दीदी के वर्कर्स, आज हम सब भी वहाँ जाकर दीदी को ज्वाइन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगी कि उन्होंने, हमारे जो नेताजी हैं उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस दिए हैं। उनका ये कहना था, आज अगर एक सोच के वजह से अगर एक आदमी अपना जान दे देता है और वही एक इंसान का जान हज़ार लोगों का ज़िंदगी अच्छा बना सकता है, तो उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हमारे फ्रीडम के लिए, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। आज उन सब के मेहनत के वजह से, उन सब के सैक्रिफाइसेस के वजह से आज जो सब हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हम सब यहाँ हंसी खुशी रह रहे हैं, बंगाल में तो हंसी खुशी रह रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आने वाले दिनों में और भी हम लोग इसी तरह से मिलजुल कर रहें और जितनी भी बाहरी ताकत है, जितनी भी खराब ये जो गवर्नेंस है वो बंगाल में ना आ जाए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। और मुझे बच्चों के लिए बुरा भी लग रहा है कि वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, तो ये एक छोटा सा जो जेस्चर है इसमें उन्हें एक खुशी मिल रही कि इकट्ठा होने का उनको भी मौका मिला, एक संग बैठ के कुछ अच्छा करने का मौका मिला। 2021 में है इलेक्शन, चुनाव है, संग संग लग रहा है टीएमसी में बहुत सारे हैवी वेट मंत्री जो है वो चले जा रहे हैं, किसी दूसरे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हैवी वेट और लाइट वेट नहीं होता है, टीएमसी सरकार जो है उसका एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी। आज लोग अगर वोट देते हैं तो ममता बनर्जी को देख कर देते हैं, ममता बनर्जी के काम को देख कर देते हैं। अगर किसी को दीदी का कदर नहीं है तो फिर ये उनका लॉस हो है, चाहे वो जहाँ भी जाते हैं आगे चल के जब इलेक्शन के बाद वो उनका फेस लॉस होगा, जब दीदी वापस से पावर में आएगी उनका इज्जत चला जाएगा। कल जो है, कल बहिष्कार किया गया वैशाली डालमिया जी, उन्होंने कहा है कि इतनी टीएमसी सरकार रहते हुए वो लोग कोई काम नहीं कर पा रहा है, कि ये जो आरोप लगाया गया है, क्या आपको लग रहा है ये सही आरोप है? हाँ, क्यों नहीं, जिस दीदी को पूरा हक है, जो अगर कोई भी पोस्ट लेकर रहता है और अगर वो अपना मेहनत नहीं करता या डिलीवर नहीं करता है, तो दीदी को पूरा हक है कि उसे उसके पोस्ट से हटा दिया जाए। तो दीदी का हर फैसला हमारे सबके सर आंखों पर, हम सब देखिए, हम लोग जितने तृणमूल के वर्कर हैं, भले ही वो लॉकडाउन हो, अम्फन हो, हम लोग कंटिन्यूसली हम लोगों ने काम किया है, आज भी कर रहे हैं। तो ये डिसीजन हाई कमांड का है, दीदी का है, वो जैसा भी फैसला लेती हैं सही लेती हैं। थैंक यू।